नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि 12 राशियों के लिए दिवाली का दिन कैसा होगा। दोस्तों, हिंदू धर्म में दिवाली एक बहुत बड़ा पावन दिन है। इस दिन का इंतजार हम पूरे साल करते हैं, तो जरूर जानना चाहेंगे कि यह दिन हमारे लिए कैसा रहेगा। तो आइए जानते हैं राशि के अनुसार अपने दिन के बारे में। पहली राशि है हमारी मेष। दोस्तों, मेष राशि वाले लोगों के लिए यह दिवाली का दिन बहुत अच्छा रहेगा। आप लोगों को चौगुना मुनाफा होगा और हर काम में सफलता मिलेगी और मैरिड लाइफ भी आपकी अच्छी रहेगी। इस दिन अगर आप कोई नया काम शुरू करोगे तो उसमें भी लाभ मिलेगा। दोस्तों, दूसरी राशि है वृषभ राशि वालों के लिए दिवाली वाला दिन बहुत सावधानी पूर्वक वाला होगा। इस दिन उन्हें बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है। इस दिन धन की हानि हो सकती है और परिवार में किसी सदस्य की तबीयत भी खराब हो सकती है, जिसके कारण आपको हॉस्पिटल के चक्कर भी लगाने पड़ सकते हैं। दोस्तों, तीसरी राशि है मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले लोगों के लिए दिवाली वाला दिन बहुत अच्छा साबित होगा। इस दिन अगर आप चाहोगे तो आपका एक ऐसा बंधन बन सकता है जिसके बारे में आप कभी सोच रहे थे। यह दिन शादीशुदा लोगों के लिए खुशखबरी लाएगा। रिलेशनशिप वाले लोगों के लिए भी यह दिन बहुत अच्छा साबित हो सकता है। इस दिन आपको धन की प्राप्ति भी हो सकती है। चौथी राशि है हमारी कर्क। कर्क राशि वाले लोगों के लिए यह दिन अच्छा साबित हो सकता है और खुशहाल भी, चुस्ती से भी भरा रहेगा और धन की प्राप्ति भी हो सकती है। पांचवी राशि है हमारी सिंह राशि। सिंह राशि वाले लोगों के लिए यह दिन अच्छा साबित हो सकता है। यात्रा से लाभ होगा। इस दिन आपको भाग्य का साथ मिलेगा। परिवार के साथ भी संबंधों में मधुरता आएगी। छठी राशि हमारी है कन्या। कन्या राशि वाले लोगों के लिए यह दिन अच्छा रहेगा। इस दिन आपको धन का मुनाफा होगा। इस दिन आपकी बोलचाल में भी मिठास आएगी, लोग आपसे आकर्षित भी होंगे। सातवीं राशि है हमारी तुला। तुला राशि वाले लोगों के लिए यह दिन बहुत अच्छा रहेगा। इस दिन आपसे लोग आकर्षित होंगे। यह समय आपके लिए बहुत ही उत्तम रहेगा। मैरिड लाइफ में भी आपको मधुरता आएगी, धन की भी प्राप्ति होगी। आठवीं राशि है हमारी वृक्षिक राशि। वृक्षिक राशि वाले लोगों के लिए यह दिन अशुभ साबित हो सकता है। उनके साथ कोई ऐसी घटना हो सकती है जिसमें उनको पछताना पड़ सके। इस दिन आपको सावधानी बरतनी होगी। नौवीं राशि है हमारी धनु। धनु राशि वाले लोगों के लिए यह दिन ठीक ठाक साबित होगा। इस दिन आपको अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा, बाकी आपको लाभ ही होगा। इस दिन आपको कई मामलों में सफलता मिलेगी और अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो भी यह दिन आपके लिए शुभ है। दसवीं राशि है हमारी मकर राशि वाले लोगों के लिए यह दिन शुभ रहेगा। कामकाजी मामलों में भी सफलता मिलेगी और आपके घर में सुखों की बढ़ोतरी भी होगी। ग्यारहवीं राशि है हमारी कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले लोगों के लिए यह दिन भाग्यशाली साबित हो सकता है। इस दिन उनका भाग्य उनका साथ देगा और यात्रा से भी उन्हें लाभ मिलेगा। बारहवीं और आखिरी राशि है हमारी मीन राशि। मीन राशि वाले लोगों के लिए यह दिन थोड़ा खराब हो सकता है। सेहत भी उनकी खराब रह सकती है और इस दिन आपको सतर्क रहने की जरूरत है। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को दबा दें, इससे आप हमारे चैनल की लेटेस्ट वीडियो देख पाएंगे औरों से पहले।